खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद ने तहसील कामोके में वर्ल्ड बैंक के तआवुन से 2 अरब 36 करोड़ रुपए के मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। 2 साल कबल 14 करोड़ की लागत से बनने वाले शहर के मरकजी नाले में होने वाली करप्शन पर इंक्वायरी का हुक्म। मियाँ महमूद रशीद पंजाब के बल्दियाती निज़ाम में 22,000 खाली असामियों को पुर किया जा रहा है। इस बारे में वजीर आला को समरी भिजवा दी गई है। वजीर बल्दियात पंजाब के देहातियों में पंचायती निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। पंजाब उसके तआवुन से कामोकी में 2 अरब 70 करोड़ रुपए के मंसूबे जो हैं उनका आज मैंने इफ्तिताह किया है, जिसमें कोई 30-35 करोड़ रुपए की मशीनरी भी शामिल है, जिसमें कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ हैं, एक्सीवेटर हैं और बाकी चीज़ें हैं, मशीनरी डंपर वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो था पीसीपी का, ये सुस्त रवी का शिकार रहा माजी में। अब मोहतरम अशरफ सोना साहब को, जो एक्स मिनिस्टर भी हैं, इनको हमने पूरे पंजाब में इस प्रोग्राम का चीफ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है और अब ये प्रोग्राम जो है वो तेज़ी के साथ पाया तकमील को पहुँच रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी कि आइंदा चंद माह के अंदर ये जो खतीर रकम है ये कामों की के आवाम के मसाइल को हल करने के लिए वो खर्च हो और इसमें इसकी क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसकी बाकायदा हम मॉनिटरिंग करेंगे और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये सारे अखराजात जो है, ये सारे जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो वो फंड्स भी जो है वो हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो फ्राहम किए जाएंगे। तो आज मैं जो कामोकी के अवाम हैं उनके पास इसलिए आया था कि ये उनकी खिदमत का ये सिलसिला और ये सफ़र, इसमें जनाब वज़ीरे आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान साहब की खुसूसी हदायत पर ये सियासत के साथ साथ ये खिदमत का सफ़र जो है ये भी जारी रहना चाहिए, आज हमने इन प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। अच्छा मियां साहब,